Hello everyone, welcome to LK Academy. My name is Veer Pratap Singh and in this particular session we'll be taking or we'll be discussing about the GPSC class 1 to prelims that was conducted on 21st March. Okay, so this particular jo hamara session hai, इसके अंदर हम जानेंगे कि GPSC जो है एक्चुअली क्या चाह रही है, व्हाट इज इट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स दैट इट इज गोइंग टू रिक्रूट. ऑलराइट, देन वी विल गो अबाउट लुकिंग इनटू द वेरियस ट्रेंड्स. ठीक है, मतलब पहले GPSC पहले के उसके पेपर्स कैसे रहे हैं और अब उसके पेपर्स कैसे आ रहे हैं. ऑलराइट, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर है, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो मेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज बीइंग आस्क्ड बाय द कमीशन. ऑलराइट, सो अभी सबसे पहले देखिए, इन द चेंजिंग नेचर द ट्रेंड ऑफ द GPSC एग्जाम्स. अब इफ़ एनीवन, अगर किसी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे रहेंगे GPSC प्रीलिम्स के अंदर, सो इन द 2016 सेशन 2016-17 सेशन उन्होंने प्रीलिम्स के अंदर थोड़ा हमने देखा था कि उन्होंने UPSC के ट्रेंड को अडॉप्ट किया था. ऑलराइट, जिसके अंदर उन्होंने प्रीलिम्स के अंदर काफ़ी सारे सिलेबस के अंदर से उन्होंने सवाल उठाए थे एंड जैसा UPSC सवाल पूछती है उस हिसाब से उन्होंने पूछे थे. और जो ऑप्शंस के अंदर भी, जो एलिमिनेशन टेक्निक्स के अंदर, जैसे जो UPSC ऑप्शन पैटर्न को अडॉप्ट करती है वैसे ही GPSC ने उस साल किया था. उसके बाद भी सक्सेसिव ईयर्स में हमने देखा कि 2018 के प्रीलिम्स के अंदर भी ऐसा ही रहा था. ऑलराइट, बट इस साल के प्रीलिम्स के अंदर जैसे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि द पेपर इट वॉज नॉट क्वाइट दैट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द लेवल्स. ऑलराइट, बट देन वील नॉट बी क्रिटिसाइजिंग इट. द GPSC इट वॉन्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हु कैन थिंक. ऑलराइट, जो जिनकी लॉजिकल कैपेबिलिटी ज़्यादा है, सिर्फ वो बुकिश नहीं है, हु कैन टेक डिसीजंस एट द पर्टिकुलर मोमेंट. Why? Because एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनके पास हमेशा जो है नई चीज़ें उभर के आती है. सो उन्हें वो उन चीज़ों के ऊपर सॉल्यूशन, निवारण जो है तुरंत देना पड़ता है. ऑलराइट, सो इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द कमीशन वॉन्ट्स पीपल, द एस्पिरेंट्स हु कैन थिंक, हु कैन लॉजिकली थिंक. तो इस साल के पेपर के अंदर भी हम अगर उसे अच्छे से अगर डिड्यूस करें तो हमें ये पता चलता है कि काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस थे. ऑलराइट, आई मीन काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसे हम एलिमिनेशन से कर सकते थे. एज इन एक पर्टिकुलर ऑप्शन एलिमिनेट होता तो बाकी सारे ऑप्शंस अपने आप अपने जगह पे बैठ जाते और उससे आपको आंसर मिल जाता. इट डिड नॉट रिक्वायर द फुल नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक दैट वॉज बींग आस्क्ड इन दी क्वेश्चन. ठीक है, इसके बाद जो है मेंस के अंदर, जैसे अभी अगर आपने मेंस के क्वेश्चन पेपर्स को देखे रहेंगे, ठीक है, उसके अंदर भी पहले यूपीएससी के पेपर पैटर्न को उन्होंने अडॉप्ट किया था, बट देन उसके बाद फ्रॉम दिस ईयर बीइंग ऑनवर्ड्स उन्होंने थोड़ा स्टेट अप्रोप्रिएट जो डिमांड्स हैं क्वेश्चन के. ऑलराइट, सो स्टेट टिल्टेड तो फिर इन्होंने उसको अडॉप्ट किया, बट देन करंटली बीइंग वी फोकस ओनली ऑन प्रीलिम्स रिगार्डिंग द वेरियस क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो सबसे पहले वील बी डिस्कसिंग पॉलिटी. अब देखिए, पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर इन्होंने पूछे, इसके अंदर हम क्लियरली ये चीज़ देख सकते हैं कि इन्होंने विथ अ मिक्स किया है. एज एन फैक्चुअल चीज़ें तो इन्होंने पूछी ही है, ठीक है, फैक्चुअल के साथ साथ इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे दिए हैं जो हमें सोचना पड़ेगा और फिर जाके उसके आंसर के ऊपर पहुंचेंगे. सी द कमीशन, ये ऐसे ही जनरली कोई भी सवाल नहीं उठाती है. ऑलराइट, जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ या कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर न्यूज़ में है तो उस हिसाब से कमीशन जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम करती है. ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी गवर्नर जो थे, गवर्नर ही वाज वेरी मच इन द लाइमलाइट.
ऑलराइट, सो इसी वजह से गवर्नर के ऊपर पूछा गया. नाउ द थिंग्स दैट आर इन करंट न्यूज, ऑलराइट, जो करंट में अभी फिलहाल चल रहे हैं उसको वो सिलेबस से कनेक्ट करके फिर उस हिसाब से वो सवाल पूछते हैं. ऑलराइट, अब इसके अंदर जो है ये पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम कुछ सवाल देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम एलिमिनेशन से आसानी से कर सकते थे विथ अ लिटिल बिट ऑफ लॉजिकल सेंस. ऑलराइट, सबसे पहला देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर. सी, गवर्नर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन द स्टेट सिस्टम. ऑलराइट, स्टेट के गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर. सो इनके बारे में तो हम हर एक एस्पिरेंट पढ़ता ही है. ऑलराइट, बट देन उसके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ आपको वो चीज़ को समझना भी है. पॉलिटी के अंदर आपको हर एक चीज़ समझना है अच्छे से, तभी जाके आप क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएंगे. अब इसके अंदर पहला स्टेटमेंट देखिए कि गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन व्हेन इट अपोजेस अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो इसके अंदर यस, गवर्नर जो है ही अंडर आर्टिकल 201, ओके, अंडर आर्टिकल 201 वो 5 इंस्टेंसेस के अंदर वो जो है प्रेसिडेंट के लिए वो पर्टिकुलर स्टेट बिल को रिजर्व करते हैं. ऑलराइट, लाइक फॉर एग्जांपल, एक अगर कोई पर्टिकुलर बिल है वो DPSP के खिलाफ है, अगर कोई पर्टिकुलर बिल है वो नेशनल इम्पोर्टेंस का है, अगर कोई पर्टिकुलर बिल है जो ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेटेड है. ऑलराइट, सो ऐसे जो टाइप के बिल है, या अगर कोई बिल है जो नेशनल सिक्योरिटी को एंडेंजर करता है. ऑलराइट, सो ये जो सारे बिल्स है जो लेजिस्लेटिव जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बोलता है कि द गवर्नर हैज टू रिजर्व द बिल. ऑलराइट, सो इसके अंदर गवर्नर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको टैकल करने के लिए हमें जो है गवर्नर के वेरियस फंक्शंस के बारे में भी जानना जरूरी है. ऑलराइट, उनके जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, सो इन डेप्थ एनालिसिस ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमसे डिमांड करता है. ऑलराइट, अब सेकेंड स्टेटमेंट को अगर देखें तो द गवर्नर ही कैन अ गवर्नर कैन कॉल फॉर जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन केस ऑफ बाइकमेरल लेजिस्लेचर. दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग. व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज जॉइंट सेटिंग जो है ये सिर्फ पार्लियामेंट के लिए है, नॉट फॉर द स्टेट. ऑलराइट, फर्दर ही नॉमिनेट्स वन एंग्लो इंडियन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. यस, इट इज अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन प्रिंसिपल. ऑलराइट, सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट को ऐसे ही निकाल दें तो 3 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाता है और बी वाला ऑप्शन बच जाता है, दैट इज 1 और 3. सो सी, एक पर्टिकुलर ऑप्शन एलिमिनेट होने की वजह से बाकी सारे ऑप्शन जो है अपने आप ऑन द प्लेस बैठते हैं. सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑलराइट, ओनली अ मिनिस्टर कैन प्रेजेंट अ मनी बिल. सी, the Indian Parliament and the state parliamentary system, the state government system, it is similar to a very much extent. All right, बहुत similar है. तो जैसा center के अंदर रहेगा वैसे ही state के अंदर रहेगा, but with certain exceptions. All right, state के अंदर कुछ system अलग हो जाते हैं. तो इसके अंदर जैसे only a minister can present a money bill. Yes, it is true. Second, all money bills are financial bills, but only some financial bills are money bills. ये statement को अगर आप समझेंगे तभी जाके आपका ये answer सही हो पाएगा. Why? Because, see, financial bill जो है ये बहुत एक wide topic है, बहुत wide topic है. जैसे ये particular एक financial bill है तो उसके अंदर है money bill. Alright, money bill जो है कुछ specific जो डायमेंशन है सिर्फ उसी को कवर करता है, लेकिन फाइनेंशियल बिल अलॉन्ग विद द स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ मनी बिल इट कवर्स द वेरियस अदर एस्पेक्ट्स एज वेल. सो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर आप समझ जाओगे तब जाके आपका ये पूरा आंसर अपने आप बैठ जाएगा. और ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल बिल्स अंडर आर्टिकल 117 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द लोकसभा. ऑलराइट, ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट. व्हाई? बिकॉज फाइनेंशियल बिल्स दो टाइप के होते हैं. फाइनेंशियल बिल 1 के अंदर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बैठ रहा है, लेकिन फाइनेंशियल बिल 2 के अंदर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं बैठ रहा है. सो देयर इज अ कंटेंशन अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो GPSC की तरफ क्वेरी में भी जाएगा. फर्दर अगर देखें हम
तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। देखिए आप जो ये सारे क्वेश्चंस के अंदर आप अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड देखिए आप कि फैक्चुअल चीजें पूछा जा रहा है विच हैज अ करंट लिंक। सुप्रीम कोर्ट हमेशा लाइमलाइट में रहती है तो उस वजह से इसको ये सवाल को पूछ लिया गया। ऑलराइट अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे इट इज पहला ऑप्शन इट इज बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे जो जब हम सुप्रीम कोर्ट के जो भी सारे प्रोविजंस पढ़ते हैं एंड द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन को अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम आर्टिकल 143 को पढ़ते हैं जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का है, ठीक है, उसके बारे में, तब हमें पता चलेगा कि नो द सुप्रीम कोर्ट जो भी ओपिनियन देती है वो बाइंडिंग नहीं होता है। ऑलराइट सो अगेन इन डेप्थ नॉलेज भी चाहिए अलॉन्ग विथ अ लिटिल लॉजिक। At the second statement is at least 5 judge bench of the Supreme Court hears any reference made to it under the power of advisory jurisdiction. Yes, this is also correct. 5 judge bench जरूरी होता है constitutional matters and for the precedents advisory के लिए 5 judge bench जरूरी होता है। Otherwise other matters जो हैं वो 3 judge bench देख सकती है, लेकिन इन दो particular cases के लिए constitutional cases and for the advisory jurisdiction 5 judge की bench बैठती ही है। This is general common knowledge जो हमें, देखिए जब भी हम constitution जो polity पढ़ते हैं इसके साथ साथ commission क्या चाह रही है कि आप बस उन चीज़ों के ऊपर limited ना रहें, आप अन्य चीज़ों के ऊपर भी देखें, you go to a certain extent। जैसे मान लीजिए आज अगर आपने कुछ तो देखा, ठीक है, आज अगर आपने कुछ कोई particular topic के बारे में पढ़ा तो उसके साथ साथ द कमीशन वॉन्ट्स कि आप उसके उससे कनेक्टेड अलग अलग डायमेंशंस के बारे में भी पढ़े। व्हाई? बिकॉज उसके ऊपर भी सवाल पूछ ले रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ द कमीशन डजंट वॉन्ट रोट लर्नर्स, द कमीशन वॉन्ट्स एन लॉजिकल एप्टीट्यूड, जो लॉजिक से सोचने वाले एस्पिरेंट्स हैं। ऑलराइट फर्दर अगर हम देखें The opinion given by the Supreme Court of, on a reference under advisory jurisdiction is not binding on the President. This statement is correct. It is not binding. So, अगर आप इसको देखें, so 2 and 3 वाला option बराबर से बैठता है। अगर आप 1 को eliminate कर देंगे, तो सारे options eliminate हो जाएंगे। Alright. Further, ये जो forgiveness powers वाला है, about the President. ठीक है? The precedents, ये President का जो है, ये judicial powers के अंदर आता है। Alright. सो पार्डन इज येस फ्रॉम एनी सेंटेंस, चाहे कोई भी सेंटेंस आया हो, अगर प्रेसिडेंट ने पार्डन कर दिया तो वो पूरा सेंटेंस ही खत्म हो जाता है उसका, एंड ही विल बी फ्री, ही और शी विल बी फ्री। एंड सेकेंड कम्यूट, कम्यूट मीन्स बेसिकली रिडक्शन, वो जो पर्टिकुलर सेंटेंस है उसे एक लाइटर फॉर्म में करना, अगर डेथ पेनाल्टी है तो उसे लाइफ सेंटेंस में तब्दील कर देना। ऑलराइट एंड देन द थर्ड अगर हम सी वाला ऑप्शन देखें, रेमिशन, रेमिशन जो है यहाँ पे लिखा गया है रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट ड्यू टू एनी स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये गलत है। व्हाई? बिकॉज ये जो ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट ड्यू टू अ स्पेसिफिक रीजन, ये रिस्पाइट के लिए आता है, जैसे कोई डिसेबल्ड है या वुमेन है या प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको थोड़ा एक लाइटर फॉर्म के अंदर दे देना बिकॉज ऑफ सम फिजिकल कंडीशंस। ऑलराइट सो ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं, हमें इस टेक्निकलिटीज़ को अच्छे से जानना पड़ेगा, देन ओनली वील बी एबल टू सॉल्व सच पॉलिटिकल क्वेश्चंस। ऑलराइट द कमीशन इट वांट्स यू टू बी एनालिटिकल एज वेल एज लॉजिकल। फर्दर अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एरियाज विल नॉट बी एंटरटेन्ड एज अ PIL। ऑलराइट PIL के कॉन्सेप्ट को सिलेबस के अंदर है तो देखिए, नाउ दी अगर आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो आप PIL को इतने डेप्थ से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो आप ये वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज जब आप मेंस के लिए पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, जब आप मेंस के लिए पढ़ते हैं तो आपका लॉजिकल रैशनल थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, और जब आपका वो बढ़ जाता है वो अपने आप जो है प्रीलिम्स के अंदर आपको हेल्प करता है इन द एलिमिनेशन। ऑलराइट एंड हाफ ऑफ द क्वेश्चंस और कंपैरेटिव टू इट एलिमिनेशन से आसानी से हो जाते हैं। सो इसके अंदर लेबोरियस वर्क आपने नहीं करना है, आपने करना है स्मार्ट वर्क। ऑलराइट स्मार्ट वर्क, यू हैव टू फोकस ऑन स्मार्ट वर्क।
That is what the commission is demanding. All right, be smart, not hard work everyone does. All right, all aspirants, they do hard work. बट देन हार्ड वर्क के साथ साथ एक छोटा सा अगर आप टच एक स्मार्ट वर्क का दे देंगे तो आपका प्रिपरेशन जो है इट विल बी होलिस्टिक. होलिस्टिक होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे. ऑलराइट, अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर देखिए स्कोप, बेसिकली पीआईएल का स्कोप कौन से एरियाज में जा रहा है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट दैट. ऑलराइट, अब इसके अंदर जो पहला, दूसरा और चौथा जो सवाल है इट इज करेक्ट. ऑलराइट, बट देन जो थर्ड वाला सवाल है, Now, the statement is not particularly clear. Alright, it is not particularly clear. It says that complaints against central and state government departments and local bodies will not be entertained under the PIL. Alright, so I am just adding on to it. अब ये वाला जो statement है ये इतना ज़्यादा full, why isn't it not complete? Because against police, ठीक है, against police और वेरियस अदर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट पीआईएल दाखिल किया जा सकता है. ऑलराइट, एंड इट इज नॉट स्ट्रिक्टली कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ पीआईएल नहीं कर सकते. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वो थोड़ा फुल्ली जस्टिफाइड नहीं है. ऑलराइट, सो इसके भी सवाल के लिए थोड़ा अभी शायद इसे बदला जा सकता है. ऑलराइट, ऑप्शंस को बदला जा सकता है. क्यों? क्योंकि प्रोविजनल आंसर की में देयर वाज अ डिफरेंट आंसर. ऑलराइट, अब इसके बाद जो है सी नाउ स्टैटिक पोर्शन के अंदर, स्टैटिक पोर्शन इट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज जब आप करंट का कर रहे हैं, करंट के साथ साथ आप स्टैटिक का भी कर रहे हैं. सो ये जो पर्टिकुलर तीन क्वेश्चंस है, सॉरी ये जो पर्टिकुलर स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस है रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द फाइनेंस कमीशन, इससे हमें सीधा सीधा पता चलता है कि स्टैटिक पोर्शन के अंदर भी कमीशन पूछ रही है. सो पॉलिटी के अंदर अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी इन 20-30 रेशियो की करंट और स्टैटिक का वो पूछ सकते हैं. ऑलराइट, सो दिस कैन बी द रेशियो. सो हमें प्रिपेयर करना है तो होलिस्टिकली हमें प्रिपेयर करना है. इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ऑलराइट, सो सबसे पहला क्या हो जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशंस द क्वालिफिकेशंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन. Second statement is the constitution has not specified the term of the members of the election commission, and the constitution has debarred the retiring election commissioners from any further appointment by the government. See, अब अगर हम अगर static portion अच्छे से किया होगा तो ये वाला particular topic आसानी से clear, आसानी से solve हो सकता था and it could have fetched you 1 marks. लेकिन अगर आप static को नहीं करोगे, these जो questions है ये बहुत simple questions है. alright, so इसको आपने अच्छे से, जो static portion है वो आपने अच्छे से करना है. smart work, always be smart. ठीक है, अब इसके अंदर देखिए ये जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है इट इज एंटायरली करेक्ट. ऑलराइट, व्हाई? बिकॉज इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं दे कैन बी रीअपॉइंटेड, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. ऑलराइट, नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशन द क्वालिफिकेशंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन. ऑलराइट, फिर अब इसके बाद जो है फाइनेंस कमीशन. सी फाइनेंस कमीशन, अब भी जस्ट 15 फाइनेंस कमीशन का हुआ तो इसके बारे में जानना जरूरी हो जा रहा था. Alright, so again I am telling you, static plus current is only going to help you get more marks in the prelims of any particular examination agar aap dekhe, and specifically to class 1-2 examinations. Alright, I will not be going into the finance commission. Why? Because it is very much easy. Now agar hum aage dekhe, economic justice is one of the objectives of the Indian constitution that has been provided in. This is a question of logic. Theek hai, logic aapko bas yahan pe thoda sa sochna hai aur wo answer aapka aa jayega. See, firstly kya hota hai, preamble ke andar justice, liberty, equality, fraternity. Alright, this is mentioned in the preamble. So preamble to hai hi hai. ऑलराइट, अब यहाँ पे दूसरे जो आ जाते हैं वो है फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी, दोनों में से एक. ठीक है, अगर हम फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो हमें वहाँ पे पता चलता है कि द फंडामेंटल राइट्स इट इज़ फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. ठीक है, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए. लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है.
ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर लीगल सैंक्शंस होते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी है उसके अंदर मॉरल सैंक्शंस होते हैं। सो इकोनॉमी अगर हम देखें, डीपीएसपी का जो एम है, इट इज एट रियलाइजिंग और फुलफिलिंग द हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नाउ जस्टिस जो है, इट कैन बी इन वेरियस डायमेंशन, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ऑलराइट। सो ये अलग अलग डायमेंशन के अंदर है। सो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज मेंशन स्पेसिफिकली इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे जो है, अगर प्रीलिम्स के बेसिस पे अगर हम पढ़ते हैं कि सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर हम जाते हैं, तो हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं कर पाते। सो जब हम प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हमें मेंस के हिसाब से भी पढ़ना चाहिए, तभी जाके आपका ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप कर पाओगे। और ऐसे सवाल जो है आज के टाइम में जीपीएससी बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछ रही है, और वहीं पे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स नंबर गवा देते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप नंबर नहीं गवाएंगे। ऑलराइट, नाउ सी, नाउ व्हेन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे हिस्ट्री के सवाल जो है जनरली इतने डिटेल के अंदर, इतने सारे उसके अंदर फैक्ट्स हैं कि हर एक चीज़ को जानना इट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी। ऑलराइट, हिस्ट्री इज सो वास्ट, बट देन इसके अंदर हमें प्रीलिम्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स तो लाने ही हैं। सी, इट इज़ नॉट गोइंग टू काउंट, बट देन वी जस्ट हैव टू क्लियर दी कट ऑफ। ऑलराइट, हमें ये टारगेट से चलना है। सो हिस्ट्री के अंदर जब आपको कोई सवाल नहीं आता है, सो अगेन यहाँ पे विथ सम लॉजिक एंड टैक्ट हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वी कैन हैंडल इट। ऑलराइट, नाउ अगर हम जीपीएससी के इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखें, तो इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जो जो फैक्ट्स हैं, जो हमारे हिस्ट्री के अंदर फैक्ट्स हैं, जो हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, सी इट इज़ इन ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स। ऑलराइट, जहाँ पे और हमारे नोट्स के अंदर भी जो हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं आपको। ऑलराइट, मैं अभी ये वाले बैच के अंदर, अगर किसी ने हिस्ट्री के अंदर जो स्टूडेंट्स आए रहेंगे, उन्होंने जो अभी तक हमने पढ़ा है, उन्होंने क्लियरली ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस को उन्होंने आसानी से कर चुके होंगे। व्हाई? बिकॉज इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में जो अभी पूछा गया है, हमने पढ़ा हुआ है। ऑलराइट, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आई विल बी टेलिंग इट टू यू इन द लेटर ऑन सेशन, बट देन करंटली लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। इट सेज दैट विच स्कूल ऑफ आर्ट यूज्ड स्पॉटेड सैंडस्टोन एज द मटेरियल ऑफ स्कल्पचर्स। सी, नाउ हियर इफ वी गो इन द ऑप्शंस, यहाँ पे जो है मथुरा, अमरावती एंड गांधारा, ये सब पोस्ट मौर्यन स्कल्पचर्स है, इनके बारे में जानते हैं हम, ठीक है। नाउ दी स्पॉटेड सैंडस्टोन किसने यूज़ किया? अब थोड़ा सा इसके अंदर अगर हम देखें कि अमरावती वाला जो स्कल्पचर है, इट यूज वाइट मार्बल। ऑलराइट, गांधारा जो था, इट यूज मड एंड स्टको। ऑलराइट, एंड ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन। एंड द मथुरा स्कूल, इट यूज्ड स्पॉटेड सैंडस्टोन। ऑलराइट, बस इसके ये जो है, ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसके अंदर बस थोड़ा सा याद करते तो ये सवाल आसानी से आप कर पाते। फर्दर अगर देखें तो हु वॉज द रूलर ऑफ वारंगल व्हेन इट वॉज इन्वेडेड बाई द सल्टनेट फोर्सेस। सी, अ पर्टिकुलर एस्पिरेंट जिसने एकदम डिटेल में पढ़ा होगा, वो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर सकता था। ऑलराइट, लेकिन जिसने ऐसे जनरली नहीं पढ़ा है, एज आई टोल्ड यू अगेन, हिस्ट्री इज वास्ट, एंड आपको पता चलना चाहिए कि आप कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, अगर आप जस्टिफाइड गेस करके अगर आप आंसर करते हैं तो वो सही होगा, और नहीं करेंगे तो गलत होगा। अगेन यू जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ। सो इसके अंदर जो है जस्टिफाइड गेस अगर कोई करेगा तो इट विल बी प्रताप रुद्रदेवा। ऑलराइट, सी हिस्ट्री के अंदर जहाँ तक है हमें इतने डिटेल्स के बारे में पता नहीं है, इट्स जस्ट दैट वी नो अ ओवरव्यू। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, विजयनगरा के बारे में पूछा है। सी, विजयनगरा के बारे में पहले भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था, अभी भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। व्हाई इज इट बीइंग आस्क्ड? व्हाई? बिकॉज इन मॉडर्न डे टाइम्स द रीजन इट इज़ हाईली इन द न्यूज़, ठीक है, उस वजह से कनेक्ट करके पूछ लेते हैं। ऑलराइट, अभी ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर विजयनगरा के बारे में दो सवाल पूछे। सो एन एस्पिरेंट जिसने विजयनगरा एम्पायर को थोड़े अच्छे से किया होगा, वो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सकता है। ऑलराइट, सो इसके अंदर अगर हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विजयनगरा रूलर्स वो वॉज द ऑथर ऑफ अमुक्ता माल्यदा, ठीक है,
अब इसका जो ऑप्शन है इट बिकम्स कृष्ण देवराया. वाई? बिकॉज कृष्ण देवराया ही रोट बुक्स, ऑल राइट, दैट इज जम्बावती कल्याणम इन संस्कृत एंड अमुक्तमाल्यदा इन द रीजनल लैंग्वेज. ऑल राइट, सो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ऊपर से आप अगर विजयनगरा को पढ़ लेते, इसी वेरियस डायनेस्टीज के बारे में, द जीपीएससी हैज अ टेंडेंसी ऑफ आस्किंग वेरियस डायनेस्टीज दैट हैव बीन इन द लाइम लाइट एंड दैट हैज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंस इन द इंडियन कल्चर. ठीक है, इंडिया के हिस्ट्री के अंदर, कल्चर के अंदर उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, विजयनगरा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इनके बारे में पूछ लिया इन्होंने. लेकिन देखिए वो है ना, एकदम कोई रीजनल चीज़ के बारे में नहीं पूछेंगे. ऑल राइट, दे विल आस्क ओनली द थिंग्स दैट आर इन दैट हैव द वैल्यू ऑफ बीइंग आस्क्ड. ऑल राइट, सो हमें प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करना है. नाउ सी अगेन दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वर बिल्ट बाई कृष्ण देव राय? ये वाला भी अगेन ऑफ द सेम टाइप, ऑफ द सेम एम्पायर. फर्दर अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, दिस वी हैव कवर्ड इन आर पर्टिकुलर सेशंस, एज इन द पर्टिकुलर लेक्चर्स, जो हमारा हिस्ट्री के अंदर एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर जो बैचेस के अंदर करवाए जाते हैं. सी ऑल दीज क्वेश्चन जो हैं, हम हमारे जो भी हमारे यहाँ पे एस्पिरेंट्स आते हैं सीखने के लिए, वी ऑलवेज टेल देम टू गो थ्रू द नोट्स वॉट एवर वी प्रोवाइड यू एंड सम अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग दैट द कमीशन वॉन्ट्स अ पर्टिकुलर एस्पिरेंट टू हैव. ऑल राइट, सो ये जो सारी चीज़ें हैं वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड, इट इज़ जस्ट दैट इट इज़ विद द एस्पिरेंट जिसे करना है. ऑल राइट, ऋग वैदिक सोसाइटी के बारे में इट इज़ वेरी मच अ वेरी ईजी क्वेश्चन जिसे आप अच्छे से कर सकते हो. दैट इज़ ऋग वैदिक इकोनॉमी, इट वॉज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन पेस्टोरलिज्म, येस, एंड एग्रीकल्चर वॉज अ सेकेंडरी ऑप्शन. सेकेंड में देखा जाए, ऋग वैदिक फार्मर्स दे यूज प्लाउज इन कल्टिवेशन. प्लाउज जो है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए, प्लाउज जो है इट वॉज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग दी हरप्पा टाइम्स. ऑल राइट, क्यों? उसके बारे में हमें साइट्स मिले हैं. ऑल राइट, प्लाउ कल्टिवेशन के. सो व्हेन दैट हैपन्स, ऑटोमेटिकली एक एस्पिरेंट जो है ये चीज़ सोचता है कि यार उस टाइम पे मिला होगा तो जाहिर सी बात है वैदिक ऋग्वैदिक टाइम पे भी मिला होगा. सो विद दैट लॉजिक एक आदमी इसे कर सकता है. थर्ड वन, दे हैड गुड रिलेशंस विद वेस्ट एशिया. अब दे हैड कम फ्रॉम द वेस्टर्न एशिया इट्सेल्फ, द सेंट्रल एशिया, तो वो वेस्ट एशिया से होके ही है, सो जाहिर सी बात है दे हैड गुड रिलेशन विद देम. सो विथ सिंपल अंडरस्टैंडिंग, सिंपल अ लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किया जा सकता था. नाउ एंग्लो मराठा वॉर के ऊपर ये जो सवाल है, इसके अंदर अगर आप देखें तो एक, बस एक ऑप्शन के, अगर आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते तो आपका पूरा आंसर अपने आप बैठ जाता है. इसके अंदर अगर आप सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट करते, महजी सिंधिया वॉज रिकग्नाइज एज द पेशवा, विच इज़ वेरी मच ईजी. हम जब भी मराठा डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं तो पेशवाज के बारे में पढ़ते ही हैं, वो जाहिर सी बात है. ठीक है, महजी सिंधिया ही वॉजंट अ पेशवा, ही वॉज अ जनरल, मराठा मिलिट्री जनरल. तो अगर बस ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को निकाल दीजिए तो तीन ऑप्शन अपने आप कट गए, एक ऑप्शन बच गया. अगर किसी को पहला और तीसरा ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं है, बस वो एक ऑप्शन के बारे में पता है, तो वो ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है. सो अगेन विथ लॉजिक एंड सम लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग. ऑलराइट, फर्दर होम रूल लीग मूवमेंट, यहाँ पे अगेन इट बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ फैक्चुअल, थोड़ा डिटेल में जानना एंड देन वन कैन पर्टिकुलरली सॉल्व दिस क्वेश्चन. येस, इसके अंदर जो तीनों भी सारे ऑप्शन हैं दे आर करेक्ट. ऑल राइट, दे आर करेक्ट. वाई? बिकॉज तिलक के होम रूल मूवमेंट के ये जो फीचर्स थे, दीज वर दी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज मूवमेंट. ऑल राइट, फर्दर अगेन इंडस वैली. सो इस बारी जो है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के अंदर जो एंशियंट क्वेश्चन, एंशियंट हिस्ट्री एंड एंशियंट गुजरात हिस्ट्री के ऊपर इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं. ऑलराइट, व्हाई? बिकॉज दे वांट द एस्पिरेंट, दे शुड हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर दैट दे आर फ्रॉम. ऑलराइट, द हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री क्या है. अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें, इंडस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द इंडस वैली इज करेक्ट. ऑल राइट, साइट्स टू ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर नॉट कन्फाइंड टू द
वैली ऑफ इंडस रिवर. यस इट इज नॉट कन्फाइंड. वाई? बिकॉज वो पूरा 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया के अंदर फैला हुआ था इंडस वैली. ठीक है, तो अलग अलग जगह पे साइट्स होंगे. लिटिल बिट, थोड़ा सा बस सोचना हो और ये हो जाता. देन टिपिकल पॉटरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इन रेड एंड एज डिजाइन वो पेंटेड इन इट ब्लैक. रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी फैक्चुअल है. तो अगेन द सेम थिंग सेम एप्लीकेशन एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व. Which of the following assemblies are mentioned in the Rigveda? All three are mentioned in the Rigveda. कोई भी आप Rigveda के ऊपर अगर आप ऐसे ही जनरली कभी भी Google के ऊपर Rigveda के बारे में अगर आप स्क्रोल करोगे या कहीं से भी अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके आते हो, सी अगेन जो हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ाते हैं या जो हम पढ़ते हैं, अगर हम उस पर्टिकुलर सोर्स को अगर हम लिमिटेड रखें तो ये पर्टिकुलर सवाल को हम टैकल नहीं कर पाते. व्हाई? बिकॉज वी नो सभा एंड समिति होता होगा. ठीक है, होता है सभा एंड समिति, लेकिन विधाता के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं करोगे या छोड़ दोगे या गलत कर दोगे. ऑलराइट, सो इसीलिए क्या है कि इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा बस बाहर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपना खुद का सोर्स, अपने खुद के सर्च को बढ़ाना पड़ेगा. ऑलराइट, वेरियस डायमेंशंस ऑफ स्टडी. नाउ हिस्ट्री देखिए, अब जब हमने पॉलिटी और हिस्ट्री के बारे में देखा तो इसके अंदर हमें क्लियरली एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फैक्चुअल के साथ साथ वो कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो आपके लॉजिक को एकदम ही पकड़ लेता है और उसी हिसाब से आपको करना है. प्रीवियस टू ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आप अगर आप देखें तो फैक्चुअल ज़्यादा सवाल थे, लॉजिकल कम थे. लेकिन अब से सिंस यूपीएससी इज ऑल्सो अडॉप्टिंग अ लॉजिकल पैटर्न, ये जीपीएससी इज ऑल्सो अडॉप्टिंग अ लॉजिकल पैटर्न, सो देर इज अ को साइमल्टेनियस ट्रेंड. ठीक है, विच इज मैचिंग. ऑलराइट, सो अब से जो है प्रिपरेशन को इसी हिसाब से रखना है कि डायनेमिक रहे प्रिपरेशन. ऑलराइट, और ये अगर आपने प्रिपरेशन को अपने डायनेमिक रखा तो जाहिर सी बात है इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल द अदर एग्जामिनेशन दैट यू गिव. ऑलराइट, अब अगर ज्योग्राफी की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एलोकेट्स द इको लेबल फॉर प्रोडक्ट्स. अगर थोड़ा सा जनरल नॉलेज, दिस इज जनरल नॉलेज. इको लेबल, इको लेबल किसके लिए होते हैं? फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर एनवायरमेंट फ्रेंडली. ऑलराइट, एनवायरमेंट फ्रेंडली. तो अब इसके अंदर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये बहुत से एस्पिरेंट सोचेंगे कि हाँ ये हो सकता है. फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये भी एस्पिरेंट सोच सकते हैं, बहुत ये भी हो सकता है. थर्ड इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये अब जाहिर सी बात है ये नहीं हो सकता है. वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल मार्किंग, मार्किंग लेबल, बट देन दिस इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. ऑलराइट, दिस इज अबाउट अबाउट अ पर्टिकुलर पेटेंट और अ ट्रेडमार्क. ऑलराइट, देन द लास्ट वन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया. ऑलराइट, अब देखिए अगर आप थोड़ा सा सोचें कि इको ये चार ऑप्शन में से सिर्फ स्टार्टिंग के दो ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन जैसे जनरल जनरल नॉलेज के मतलब आई मीन दैट हमारा फ्रिज है, ठीक है, उसके अंदर 3-star rating 4-star rating, देन उसके बाद एसी है 3-star rating 4-star rating. सो वो जो पर्टिकुलर ऐसे ही जाते जाते अगर आप कभी एसी खरीद रहे हो, आपने उसको देखा तो आप वहां पे देखोगे कि इट इज़ बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ISO इंडियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर है. तो उससे अगर आप कनेक्ट करें तो दैट इज जनरल नॉलेज. ठीक है, दिस इज अ जनरल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, उससे आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं जिसका था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. ऑलराइट, फर्दर करेक्ट रिगार्डिंग एजेंडा 21, ये जो पर्टिकुलर एजेंडा 21 है ये बहुत हाईलाइटेड है, बहुत जनरल है. ऑलराइट, एंड व्हाई टुडे एनवायरमेंट इट इज इन द सेंट्रल प्लेस, तो एजेंडा 21 बहुत जरूरी हो जाता है. इसके अंदर जो है एजेंडा 21 इज एन एक्शन प्लान ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यस द एजेंडा. अब देखिए ये जो तीन स्टेटमेंट है, अगर आपको पहले के दो स्टेटमेंट अगर नहीं पता है और बस आपको थर्ड स्टेटमेंट पता है कि एजेंडा 21 जो है इट इज नॉट अ रेफरेंस टू द नंबर ऑफ कंट्रीज बट देन इट इज अ रेफरेंस टू द सेंचुरी दैट इज 21st century. तो बस ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से अगर आप 3 को एलिमिनेट कर देंगे तो आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और बच जाता है सिर्फ सी. समझ रहे हैं? सो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द पेपर कैन बी डन लाइक दिस.
नाउ दी थर्ड क्वेश्चन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? नाउ अगेन दिस इज जनरल, हम हमेशा पढ़ते आते हैं, तो सिर्फ रोट लर्निंग के ऊपर नहीं जाना है, डायनेमिक स्टडी रखना, और जब आप डायनेमिक स्टडी रखोगे तब जाके आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाओगे। फर्दर इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दिस इज अगेन अ डायनेमिक टॉपिक जिसके बारे में आप जनरल एप्लीकेशन से आप कर सकते हो, दैट इज इंटरकनेक्टिविटी, और बड़े स्केल के अंदर अलग अलग डिवाइसेस को ये कनेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मतलब सिमिलैरिटी, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये लैपटॉप को, सैटेलाइट को, घर को, अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट कर सकता है, तो उसे हम हेट्रोजेनिटी बोलते हैं जब अलग अलग चीज़ें रहती है। लेकिन होमोजेनिटी मतलब सिमिलर चीज़ें, मतलब सिर्फ मोबाइल को मोबाइल से या वैसा, ठीक है, तो ये होमोजेनिटी नहीं है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये हेट्रोजेनियस है। ऑलराइट, सो ये पर्टिकुलर एक जो अगर हम वर्ड्स को अच्छे से समझ भी जाएँ तो भी हम अच्छे से कर सकते हैं इसको। देखिए अब ये जो अगर कोई गुजराती का स्टूडेंट है और अगर उसे ये चीज़ नहीं समझ में आता है ये, तो फिर वो गुजराती में पढ़ के वो आसानी से उसको कर सकता है। ऑलराइट, या अगर वो गुजराती का अगर वो गुजराती में पेपर दे रहा है और अगर उसे गुजराती नहीं समझ आ रही है तो वो इंग्लिश में पढ़ के ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। ऑलराइट, सो ये थोड़ा बैलेंस रखना है आपने, हम जब भी इसके बारे में कर रहे हैं। ऑलराइट, फर्दर अगर हम देखें ये जो इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन देखिए पीएम कुसुम के बारे में, ठीक है, पीएम कुसुम, अब इसके अंदर क्या है कि अगर आप इन ऑप्शंस को आसानी से अगर आप ऑप्शंस को पढ़ें, ठीक है, तो पीएम कुसुम जो है ये जैसे पता है कि ये सोलार एनर्जी के बारे में है फार्मर्स के लिए, ऑलराइट, बस इतना पता है। अब सोलार एनर्जी जो है इसके अंदर डायरेक्टली दिया नहीं है, हाँ, तो अब कोई एस्पिरेंट सोचेगा कि इट इज़ टफ, ऑलराइट, नहीं, इट इज़ नॉट टफ, बस आपने थोड़ा सा सोचना है, जस्ट क्रॉस दैट लाइन एंड थिंक अ बिट। ऑलराइट, सोलार एनर्जी है तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी यूजेज जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है सोलार, ठीक है, तो उससे एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ऑलराइट, सो जब वो रिन्यूएबल एनर्जी है तो जाहिर सी बात है कि डीजल यूज नहीं होंगे, जनरेटर्स यूज नहीं होंगे जिसके अंदर डीजल रहते हैं। ऑलराइट, सो फिर पहला ऑप्शन ए आसानी से मिल जाता है। ऑलराइट, एंड देन द फर्स्ट क्वेश्चन, द लूनार सरफेस एरिया दैट रिमेन्स इन द शैडो इन इज द लार्जर एट डैश ऑफ द मून, इसके अंदर दिस इज करंट टॉपिक। ऑलराइट, ऑल्दो ये पुराना टॉपिक है बट देन रिसेंटली चाइना का जो है, चाइना का स्पेसक्राफ्ट इट केम बैक फ्रॉम मून, ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन दे कनेक्टेड द डॉट्स एंड दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, सो अगेन द एस्पिरेंट ही हैज टू बी अवेयर ऑफ द रीसेंट हैपनिंग्स। रीसेंट हैपनिंग्स मतलब एग्जाम से 10 दिन पहले तक जो भी रीसेंट हैपनिंग्स हुए हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। वाई? बिकॉज उससे कनेक्टेड, अगर मान लीजिए आज के टाइम में अगर किसी ने ये चीज़ पढ़ा होता चाइना का ये स्पेसक्राफ्ट वापस आया मून से, तो वो अगर उसने बस अपने आप को उस लेवल तक सीमित रखा होता तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को वो टैकल नहीं कर सकता था। लेकिन अगर उसने उस क्वेश्चन के साथ साथ उसने अलग अलग डायमेंशन के बारे में सोचा होता और इंडिया की क्या उपलब्धियां हुई हैं मून से रिलेटेड, इंडिया की कौन से मिशन है, तो उससे आसानी से 3 से 4 सवाल जो मून के ऊपर पूछे गए हैं मून रिलेटेड वो आसानी से वो कर सकते थे। सो अगेन डायनेमिक स्टडी चाहिए, डायनेमिक होलिस्टिक स्टडी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स स्टडी चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही लिमिटेड स्टडी। वाई? बिकॉज उधर रखोगे तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो अगेन द टाइम वुड बी वेस्टेड। ऑलराइट, सो डायनेमिक स्टडी रखना है यहाँ पे हमने। सो ये जो था हमारा पॉलिटी, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस करा, तो इसी के साथ साथ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स व्हेनेवर यू स्टडी यू विल हैव टू अपडेट योर सेल्फ विद द रीसेंट इवेंट्स, विद द करंट इवेंट्स एंड लिंक इट विद द सिलेबस। सिलेबस के साथ जोड़िए, आपके आसानी से आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपका एलिमिनेशन पावर भी बढ़ेगा और आप एग्जाम्स को आसानी से क्लियर भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अपने आप को लिमिट मत रखिए, अपने आप को होलिस्टिक स्टडी में रखिए। ऑलराइट, यस, सो दिस इज द सेशन, दिस वॉज द सेशन ऑल अबाउट। For any queries, do visit us. Thank you for watching. Be connected. Thank you.